For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. आरवी ने एक्चुअली कुछ भी नहीं किया. आरवी को याद ही नहीं है कि क्या हुआ रात को. आरवी उसके साथ में हैप्पी के साथ में हनीमून पे आया था. बहुत अच्छा उसने हनीमून प्लान किया अपनी वाइफ के लिए, लेकिन कुछ याद नहीं है एक्चुअली आरवी को हुआ क्या. हमने साथ में वाइन पी, हमने साथ में डांस किया, उसके बाद हैप्पी कहीं पर जा रही थी, मैं उसके पीछे गया. उसके बाद से मुझे एक्चुअली कुछ याद नहीं है. तो उसका मर्डर मैंने नहीं किया. सब लोगों को लग रहा है मेरे साथ आई थी तो शायद मैंने उसका मर्डर किया है और मैं छुपा रहा हूँ, लेकिन जेन्युइनली आरवी ने कुछ नहीं किया. क्योंकि उनकी नज़र में हैप्पी मेरे साथ में ही थी और हैप्पी अगर मिल नहीं रही है जिस तरह से आरवी एक्चुअली हैप्पी के साथ बिहेव कर रहा था. हैप्पी उसको दो पूरा प्लान कर रही थी कि आरवी वैसे वैसे सब चीज़ें करे. आरवी कभी एक्चुअली चाहता नहीं कि वो हैप्पी को चोट पहुंचाए या कुछ भी करे, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि उसके से ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कि सही नहीं है, बहुत गलत है. जिसने हैप्पी को मारा भी, उसने हैप्पी को फोर्स भी किया, बट वो सिर्फ हैप्पी के प्यार के लिए. और अब क्योंकि हनीमून पर वो उसके साथ में आया था तो अब और कोई है नहीं, तो उनका शक ऑब्वियसली आरवी पे ही जाना है. एक्चुअली हैप्पी ने प्लान उसी तरह से किया है कि वो सब आरवी पे ही शक जाए. पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी. पुलिस को तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो उनको जिसके ऊपर भी शक होगा वो उसी पर उसी को लेकर जाएगी, और क्योंकि हैप्पी आरवी के साथ ही थी तो पुलिस भी आरवी को ही पकड़ेगी ऑब्वियसली. हाँ, पापा जी एक्चुअली मेरे पापा जी नहीं है, वो अनाया के पापा जी थे. तो उनकी बेटी को भी आरवी ने मार दिया, उसको छोड़ भी दिया था, उससे ब्रेकअप भी कर लिया था. तो कहीं ना कहीं उनको वो भी गुस्सा था. आरवी पे बहुत ट्रस्ट करते थे, आरवी ने उसका ट्रस्ट तोड़ा उनका. तो ऑब्वियसली अब वो भी अपना गुस्सा निकालेंगे. अपनी खुद की बेटी का भी जो मर्डर आरवी ने किया था, उसको धक्का दिया था, वो भी बदला उससे निकालेंगे ज़रूर. बचना फ़िलहाल तो इस जाल से बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि ग्रोवर ने ये भी कहा है कि वो केस मेरे खिलाफ लड़ेंगे. वो बहुत बड़े लॉयर हैं देश के, तो बचना फ़िलहाल मुश्किल लग रहा है, लेकिन भगवान के भरोसे और स्क्रिप्ट राइटर के भरोसे. अरे वाह, करेक्ट करेक्ट. थैंक यू सो मच. और हाँ, वो एक्चुअली उसको किसी को भी पता नहीं था. मैं बहुत ज़रा ऐसे बताता नहीं हूँ कि बर्थडे है ये है. जब उसको पता लगा दूसरी यूनिट में, सो शी केम एंड विश मी, सो आई फील गुड. सब लोगों ने विश किया इतने अच्छे तरीके से. बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक्चुअली मेरी फैमिली आई हुई है, जैसा कि वो हर साल लाती हैं. तो इस साल भी वो लोग बॉम्बे में ही हैं, तो टाइम तो मिलता नहीं एक्चुअली. आज भी काम कर रहा हूँ और लकीली हर बर्थडे पे मैं काम कर रहा होता हूँ. तो एक बार यहाँ से फ्री होने के बाद कुछ ऑफ मिलेगा तब जाके कुछ प्लान करेंगे. अदरवाइज व्हेन यू शूट डेली सो बहुत मुश्किल हो जाता है कि कुछ भी और प्लान करना. बर्थडे पे हॉलीडे पे नहीं जा सकते बिकॉज ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही छुट्टी मिलेगी तो उस छुट्टी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे हॉलीडे में, बर्थडे में. थैंक यू. सबसे बड़ा ड्रामा यही है कि हैप्पी मर गई, और इस पर मैं 5 मिनट का मौन रखूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा अगले 5 मिनट तक. जी वही ड्रामा यही है कि हैप्पी मर गई है वो, और हम लोग उसी के अभी कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की उसको. हम लोग को सबको लगता है कि शायद मिल जाएगी जो यूजुअली लगता है तो, बट एक्चुअली बाद में फाइंड आउट करते हैं और पता लगता है कि हैप्पी मर चुकी है. आरवी ने उसे मार दिया है. हालांकि आरवी बार बार बोल रहा है कि उसने नहीं मारा उसे, बट रॉकी मानता नहीं है. तो वही है कि हैप्पी मर गई है, और अभी थोड़ा दुख तो होता ही है जब अपना कोई मर जाता है तो वही दुख मना रहे हैं हम लोग भी. तो बस और कुछ नहीं है, यही सब ड्रामा है. कोई प्लानिंग है इनकी? मुझे नहीं, अगर प्लानिंग है तो मुझे नहीं पता है, तो क्योंकि रॉकी को नहीं पता है इस प्लानिंग के बारे में.
और मुझे पता है, अंश को पता है इसके बारे में, क्या हैप्पी थोड़ा प्लानिंग कर रही है, अपनी डेथ प्लान की है उसने, सो दैट वो आरवी को जेल जेल के पीछे भेज सके जो उसने काम किए हैं, जो भी गलत काम किए हैं उनके चक्करों में। सो वो उसकी प्लानिंग है, ग्रोवर के साथ मिली हुई है, हालांकि किसी को नहीं पता इस बात का। सो आई डोंट नो उसका अभी कैसे रिवील होगा, कैसे नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता ये तो। तो बट हाँ, अभी के लिए कि वो डेथ प्लान करके चली गई है और आरवी को सलाखों के पीछे डाल देंगे बिकॉज उसको उसके ऊपर इल्जाम लगा, जहां खड़ी है वो वहीं पे उसके ऊपर इल्जाम लगा है कि उसने हैप्पी को नहीं नहीं वो उससे रिलेशन, ये ड्रामा चल रहा है, बहुत पेनफुल ड्रामा चल रहा है। ये ऐसे सीन करने में बड़ा पेन होता है, रोने धोने वाले सीन, ऐसे हंसने वाले सीन करने में मजा नहीं। वही हाँ, और रॉकी को और कोई काम भी तो नहीं है ना, आरवी को कॉलर पकड़ने के अलावा सुबह शाम दोपहर यही करता रहता है बेचारे को, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं आरवी के और रॉकी के, तो हर बार की तरह आज भी हमारी आज तक जब भी मीटिंग हुई है तो लड़ाई हुई है, बातें कम हुई है, हाथ ज़्यादा चले, तो आज भी ऐसा ही कुछ थोड़ा हो रहा था, कॉलर वॉलर पकड़ रहा था उसके, तो वही बस। हाँ उसको यही बोला, उनको जो स्क्रिप्ट मिली थी उनको बोला कि हाँ आपको यही बोलना बार बार बोल रही है ऐसा विवेक कि हाँ तू ही है, क्योंकि जब वो मुझे बोलते तो मैं भी सोच रहा था कि मैं कहाँ से लेके, लेफ्ट साइड की दीवार पे एक ब्लैंक जा रही है, वही है ना, एक फेथ होता है जब आप खोते हैं किसी को तो आपको लगता है नहीं, मत निकल वो शायद नहीं गए और ढूंढ के लाओ। रॉकी सामने है तो रॉकी उसको पता है कि रॉकी भी प्यार करता है हैप्पी से, तो वो बोल रही है रॉकी को ढूंढ के लाओ, ठीक है मत लगाओ। रॉकी तो खुद कन्फ्यूज बैठा है कि कहाँ से ढूंढ के लाऊं, वो ढूंढ रहे हैं हम लोग, भागा दौड़ी कर रहे हैं, देखो प्रे करो आप भी मिल जाए तो हैप्पी, और आपको कहीं भी मिले तो आपको पता है कहाँ पहुँचाना है उसको। दिल तो हैप्पी है जी सेट, फिल्म सिटी, गुड़गांव ईस्ट, मुंबई, इसी बात पे आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.